रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभारी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री टीएस सिंहदेव बैठक में मौजूद रहे। लगभग ढाई घंटे तक चली बैठक में निगम मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए पीएल पुनिया ने बताया है कि बैठक में कुछ नामों पर चर्चा की गई है। सबका बायोडेटा देखकर एआईसीसी को भेजा जाएगा, तत्काल कोई लिस्ट जारी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन के कामकाज के साथ और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, जो जिला कमेटियां उसकी पूरा गठन होना है, ब्लॉक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं लेकिन जहां परिवर्तन करना हो उसकी भी समीक्षा होनी है, फिर नीचे जोनल कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बूथ कमेटियां हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। और कमेटी केवल मंडल निगम और वही तक सीमित नहीं है, जिला स्तर के ऊपर भी अनेक ऐसे कमेटी हैं अलग अलग विभागों की जिसमें नियुक्तियां होनी है, वो हजारों की संख्या में है। रायपुर में समन्वय समिति की बैठक की गई है जिसमें बैठक की समीक्षा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने की है। पुनिया ने कहा है कि निगम मंडलों की दूसरी सूची पर मंथन किया गया और जिसके बाद सूची को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और जहां पर फाइनल होने के बाद सूची को जारी कर दिया जाएगा। हालांकि पुनिया ने यह भी कहा है कि जल्द ही सूची पर विचार करके जारी किया जाएगा। इधर केरल में हुए विमान हादसे पर पुनिया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। निरंतर प्रक्रिया है, कोई आज पहले एक दफा लिस्ट जारी हुई है, आज नामों की चर्चा कुछ नाम अंतिम है लेकिन उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। कोई ऐसा नहीं है कि आज डिस्कशन किया और जारी कर दिया जाए, उसमें सबका देख के बायोडाटा बना के फिर एआईसीसी भेजा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुमोदन लिया जाता है, फिर आती है सूची, चीफ मिनिस्टर उसमें संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं सब समीक्षा करने के बाद, तो इसकी लंबी प्रक्रिया है।